मेहता का उल्टा चश्मा। इसका फोन भिड़े भाई का, उसको अभी क्या है? मुझे क्या पता। एक बार ला। देख भाई भिड़े, अभी तुझे कोई अर्जेंट महत्व का काम ना हो ना तो हम लोग बाद में बात करें। मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ भाई। दुनिया से झूठ बोलते फिरोगे जेठालाल तो टेंशन तो होगा ही ना। क्या 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 क्या? जो लोग जबरदस्ती मेरे घर पे पैसे लेने आए थे और उस वक्त तुमने क्या बोला था कि मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। मुझे पता चल गया कि तुम उनको जानते हो। अरे नहीं भाई, वो लोग तेरे घर पे आए थे तभी मैं उनको नहीं जानता था। वो तो यहाँ गोडाउन में आए, उनसे बात हुई, उसके बाद मुझे पता चला कि वो लोग कौन है। देखो जेठालाल, मैं फिर से बोल देता हूँ कि ऐसे कोई भी लोग आइंदा से मेरे घर पे नहीं आने चाहिए। अरे मेरे क्या, सोसाइटी में किसी के भी घर पे नहीं आने चाहिए। ऐसा कोई भी हमारे घर पे आएगा और हमारा भी मोबाइल लेके गया तो क्या? अरे क्या क्या, बबीता जी ने हमें सब बता दिया है और तुम्हारी आज की हरकत की वजह से बबीता जी का मोबाइल भी चला गया। कौन, पोपटलाल? हाँ। फोन स्पीकर पे है क्या? हाँ, और इस वक्त मैं तुम्हारा दोस्त पोपटलाल बनके नहीं बल्कि एक जागरूक वरिष्ठ पत्रकार बनके बात कर रहा हूँ। तुमने आज जो हरकत की है वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। पता तुम्हारी वजह से बबीता जी कितनी दुखी है। बबीता जी दुखी है यह तुमको किसने बताया? मैंने बताया। यार भाई, अरे कितने लोग हैं स्पीकर पे? मैं हूँ, अय्यर है, बबीता जी और पोपटलाल है। बबीता जी भी वहाँ है? हाँ। बबीता जी देखिए, मैं मानता हूँ मेरी वजह से आपका मोबाइल गया है, लेकिन मैंने आपको बोला ना मैं कुछ भी करके आपका मोबाइल आपको वापस लौटा दूंगा। अरे किधर से ला कर देगा? सुबह से बोला कि 2 घंटे में हो जाएगा, फिर बोला 1 घंटे में हो जाएगा। ऐसा झूठ बोल बोल कर तुमने हमको कितना बेवकूफ बनाया है। अभी कैसे विश्वास करेगा तुम्हारा? हमारा तुम पर से विश्वास उठ गया है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए अय्यर भाई। देखिए, विश्वास उठ गया है तो उसको वापस बुला दो। मजाक, तुमको मजाक सुझता है जेठालाल? मेरा मतलब, मैं ये कहना चाहता हूँ अय्यर भाई कि प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं बबीता जी का मोबाइल कुछ भी करके वापस ला के दे दूंगा। अरे ऐसे कैसे करें विश्वास? एक बार मगरमच्छ के आंसुओं का विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आज जो तुमने किया है ना उसके बाद तुम्हारा विश्वास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ए पोपटलाल, तुम क्या बीच में नाच रहे हो? तुमसे क्या झूठ बोला मैंने? अरे भाई अय्यर भाई, बबीता जी से तुमने झूठ बोला वो मुझसे झूठ बोलने के बराबर ही है। हम गोकुलधाम वासी एक परिवार है। एक सदस्य से झूठ बोला मतलब दूसरे सदस्य से भी झूठ बोला। देखो जेठालाल, अभी मैं तुमको बोल देता हूँ कि शाम तक अगर जो बबीता का मोबाइल नहीं मिला तो हम में से कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। अरे सिर्फ हम ही क्यों, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी जेठालाल का बहिष्कार करेगी। क्यों बेटा? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तो नोटिस बोर्ड पे लिखने वाला हूँ जेठालाल कि पूरी सोसाइटी मिलके जेठालाल का बहिष्कार करे। भिड़े, खबरदार जो तूने नोटिस बोर्ड पे ऐसा कुछ लिखा है तो। जेठालाल, अगर तुम बबीता का मोबाइल वापस ला कर नहीं देगा तो आत्माराम जरूर लिखेगा। ठीक है, बबीता जी सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहे हैं। बबीता जी, बबीता जी, अरे क्या बोलना है वो बोलो ना। बबीता सुन रहा है। बबीता जी, मैं जेठालाल चंपकलाल कड़ा आपका वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त के पहले कुछ भी करके आपका मोबाइल आप तक सही सलामत पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा। ठीक है जेठा जी, तो मैं भी आपको ये वचन देती हूँ, आज शाम को सनसेट से पहले अगर आपने मुझे मेरा मोबाइल वापस नहीं किया तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी। Thank you.
बबीता जी। देखते हैं शाम तक जेठालाल फोन लाता है या नहीं। बबीता जी बहुत दुखी लग रही है। नहीं अरे सिर्फ दुखी नहीं, बहुत गुस्से में। सेठ जी आपने भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले बबीता जी का मोबाइल आएगा कैसे? अरे आ रहे हैं ना मेरे तारणहार। कौन? अरे कौन क्या, मेहता साहब। जेठालाल देख आ गए। मेहता साहब आ गए, देख मेरे विघ्नहर्ता, मेरे फायर ब्रिगेड आ गए। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अभी देखना दोनों मोबाइल वापस लेने का कोई धांसू आइडिया देंगे। नहीं नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, किसी भी तरह से दोनों मोबाइल लेके आएंगे। कब तक? कब तक मतलब क्या? मतलब कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी लेके आएंगे दोनों मोबाइल। नहीं चलेगा, सूर्यास्त होने से पहले मोबाइल कुछ भी करके लाना ही पड़ेगा। अब ये सूर्यास्त वाली नई शर्त क्या है? तो क्या है, सेठ जी ने बबीता जी के सामने प्रतिज्ञा ली है कि आज शाम को सूर्यास्त होने से पहले कुछ भी करके मोबाइल उनके हाथ में होगा। अरे ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा क्यों कहा तुमने जेठा? क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है मेहता साहब। नहीं भरोसा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोबाइल लाना है तो थोड़ा वक्त चाहिए ना सोचने के लिए, कोई आइडिया क्या होगा, कैसे लेके आएंगे, टाइम तो लगेगा ना। तो नहीं नहीं मेहता साहब होगा। अरे आप अपने क्या दिमाग पे थोड़ा एकदम वो प्रेशर डालेंगे ना, तकड़ुक करके आइडिया बाहर आ जाएगा। जेठालाल दिमाग है संतरा नहीं है, कैसे प्रेशर डालने से रस बाहर आ जाएगा? अरे ऐसा मत बोलिए मेहता साहब, आप मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आपने मुझे कोई आइडिया नहीं दिया तो कुकुलधाम सोसाइटी में मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। बबीता जी मेरे साथ अनजानों जैसा व्यवहार करेंगे। आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। मैं तो सब कुछ भी करके सूर्यास्त के पहले मोबाइल का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, प्लीज। अरे इतनी जल्दबाजी है जेठालाल, तो फिर एक काम करते हैं पुलिस के पास चलते हैं। नहीं मेहता साहब पुलिस के पास नहीं जा सकते, पुलिस 10 सवाल पूछेंगे उसी में सूर्यास्त हो जाएगा। फिर तो जेठालाल एक ही रास्ता है मोबाइल वापस लेने का। क्या क्या? उन्हें 2 लाख का चेक दो और मोबाइल ले। मेहता साहब फिर वही बात कर रहे हैं, आपको पता तो है कि मैं पहले ही वो संतोष का पेमेंट दे चुका हूँ, अभी दोबारा इनको पेमेंट क्यों दूं? जेठालाल समझो, मैं कैश पेमेंट देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चेक देने की बात कर रहा हूँ, वो भी पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक, 1 महीने बाद का चेक दो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा भागा कि चेक देते ही जेठालाल को खुद का और बबीता जी का मोबाइल मिल जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने का टाइम भी मिल जाएगा, और कॉन्ट्रैक्टर के मिलते ही तीनों का पेमेंट हो जाएगा, और जैसे ही तीनों का पेमेंट हो तुम अपना चेक वापस ले लेना। वाह मेहता साहब वाह, क्या जबरदस्त आइडिया दिया है आपने। बराबर है, वो चेक की लालच में दोनों मोबाइल दे देंगे। बराबर है, मैं अभी उसको फोन करता हूँ। हाँ, तुरंत। बगा लास्ट तेरे फोन से वो रघु को फोन किया था जिसके पास बबीता जी का मोबाइल है। हाँ, हाँ, सेठ लगा उसका फोन जी। स्पीकर पे रखना बगा जी। हाँ ये लीजिए सेठ जी। फोन आते ही होगा अभी, आना ही चाहिए उसका। ये लो गया। हाँ, उठा 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 दे, क्या बोलता है, स्पीकर पे डाल। स्पीकर हेलो। कौन? रघु भाई बोल रहे हैं? हाँ नमस्ते रघु भाई, मैं जेठालाल गड्डा बोल रहा हूँ, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स से। अरे मालूम है हम लोग सब साथ में, पैसे का इंतजाम हुआ? हाँ हो गया हो गया, आप मोबाइल लेके आ जाइए, मैं आपको 2 लाख का चेक दे देता हूँ, ठीक है? चेक? हाँ पोस्ट डेटेड चेक। ये कौन बोला? ये हमारे अकाउंटेंट है मेहता जी। मेहता साहब अकाउंटेंट? अकाउंटेंट कम से कम सीए तो बोलो, अकाउंटेंट यार। हाँ अकाउंटेंट मतलब हमारे सीए साहब है, बहुत बिजी आदमी है, लेकिन आपके पेमेंट के गुत्थे सुलझाने खास अपने ऑफिस का सारा काम छोड़ के इधर आए हैं। तो रघु भाई आप मोबाइल लेके आइए और चेक ले जाइए। नहीं 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 चेक नहीं। और रघु भाई बात तो समझो, मैं आपको पोस्ट डेट चेक दे रहा हूँ,
वो 5-6 महीने के बाद का नहीं दे रहा हूँ, 1 ही महीने के बाद का दे रहा हूँ। तो 1 महीने में क्या होगा, मैं वो कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। मिल गया तो अच्छा, अगर नहीं मिला तो आप ये चेक से पैसे निकाल लेना, बराबर ना सिया साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए भाई साहब, आप मोबाइल ले आइए और चेक ले जाइए, और थोड़ा जल्दी कीजिएगा। क्या है कि मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं है, तो बिजी आदमी हूँ थोड़ा सा। इतने महीने से पेमेंट नहीं हुआ और 1 महीने नहीं रुक सकते हम लोग? अरे रघु भाई, आप बात को समझ नहीं रहे। देखो, चेक मिलने से आपको पेमेंट मिलने की गारंटी तो हो जाएगी कि नहीं? अच्छा, और 1 महीने बाद चेक बाउंस हो गया तो? अरे बाउंस नहीं होगा भाई। और भाई साहब, वैसे तो चेक बाउंस होगा नहीं, और अगर चेक बाउंस हो जाए तो 138 में जेठालाल पे मुकदमा दायर कर देना। एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे हैं? जेठालाल समझो, ऐसा कहने से कॉन्फिडेंस आएगा, उनको लगेगा ये चेक कैसे बाउंस होगा, जेठालाल खुद पे मुकदमा कराने को तैयार है। तो भाई साहब सुनिए, अगर चेक बाउंस हो जाए तो आप 138 में जेठालाल पे केस दायर कर देना। अच्छा, कोर्ट कचहरी के झांसे में फंसा रहे हम लोगों को। लगता है ये लोग ऐसे पैसे नहीं देंगे, दोनों मोबाइल बेचकर ही पैसा निकालना होगा। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना भाई, ऐसा मत करना। देखो मेरी बात सुनो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ये बराबर है चेक वाला आइडिया। कोई चेकमेट नहीं चलेगा, रोकड़ा दो और मोबाइल लो। नहीं नहीं, अरे काट दे फोन, सब ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। सुना मैंने, कोई और आइडिया सोचे जल्दी। मगर सूर्यास्त के पहले हम अपना मोबाइल फोन चाहिए तुम्हारा और बबीता जी का। तब एक ही चीज है, 2 लाख रुपए दो, फोन ले लो। और कोई रास्ता नहीं है? ना जेठालाल, कोई रास्ता नहीं। ठीक है, फिर दे देते हैं 2 लाख। दे देते हैं का क्या मतलब जेठालाल? 1 लाख तुम दोगे, 1 लाख मुझे देने? नहीं नहीं, दे देता हूँ 2 लाख। सिद्ध जी, मेरे हिसाब से तो पैसे नहीं देने चाहिए। नहीं, मेहता साहब, हो सकता है कि इन सप्लायर की तरह मार्केट में और भी कई ऐसे सप्लायर हो जिनको ये संतोष ने पेमेंट ना किया हो। अब अगर इन सप्लायरों को पेमेंट मिल जाएगा तो ये जाके उन सप्लायरों को बोलेंगे कि भाई हमें तो हमारा पेमेंट मिल गया है, वो सबको दे रहे हैं, जाओ जाओ आप भी अपना पेमेंट जाके लेके आओ। कल को कोई 3 लाख मांगने आएगा, परसों 5 लाख मांगने आएगा, तो ऐसे तो सेठ जी कितनों को पैसे देंगे? नहीं नहीं, बात बराबर है बाका की, बात बिल्कुल बराबर है। नहीं नहीं, ये पैसा देने का आइडिया हमको छोड़ना पड़ेगा। बता साहब, कोई और आइडिया सोचिए। इतने प्रेशर में बड़ी मुश्किल से तो एक आइडिया मिला था जेठालाल, सूर्यास्त से पहले अगर मोबाइल चाहिए तो एकदम से दूसरा आइडिया मिलना मुश्किल है। सेठ जी मैं क्या कहता हूँ? हाँ बोल। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे इन टेढ़े लोगों के साथ हमें कोई टेढ़ा आइडिया करके ही मोबाइल निकलवाना पड़ेगा। मतलब कैसे? जैसे वो लोग हमें डरा धमका कर मोबाइल लेके गए हैं, हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो बागा, हम कोई गुंडे थोड़ी जो डरा धमका के अपना काम निकलवाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, भाड़े के गुंडे बुला लेंगे। आगा, ये भाड़े के गुंडे बुलवाना ये सब हमारा काम नहीं है भाई, हम शरीफ लोग, ऐसे आक्रामक आइडिया मत दो। नहीं नहीं, मेहता साहब बागा बराबर बोल रहे थे। देखो, हमने पहले उनको प्यार से समझाया, नहीं माने, लालच दी, नहीं माने, तो अभी धमकी से ही काम लेना पड़ेगा। पर जेठालाल, ये धमकी वमकी देने का मामला है ना, ये मुझसे नहीं होगा, मुझे किसी को धमकी देना नहीं आता भाई। तो मुझे कहाँ आता है? तो फिर धमकी देगा कौन? अरे अपना शेरों का शेर। मैं रा सोढ़ी, सोढ़ी भाई। नहीं 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 नहीं, जेठल मेरे ख्याल से कोई और रास्ता हो तो सोच लो भाई, सोढ़ी को इस मामले में इन्वॉल्व करने से और गड़बड़ हो सकती है, उसने कुछ और गड़बड़ कर दी तो मामला किसी और मोड़ पे चला जाएगा। अरे नहीं मेहता साहब, सोढ़ी अपने अंदाज में ऐसी खतरनाक धमकी देगा ना उनको कि हमारे मोबाइल का, वो अपने मोबाइल भी यहाँ छोड़ के जाएंगे। और सेठ जी, सोढ़ी भाई से कहना कि उन्हें ऐसा सबक सिखाए कि उनके खुद के फोन में रिंग बजे तो भी उठाने से पहले 10 बार सोचे। ठीक है, तो मैं वो सप्लायर ने काट दिया ना, वो एड्रेस पर सोढ़ी को बुलाता हूँ। एक मिनट जेठल, सप्लायर का मत बुलाओ भाई, वो उनका इलाका है,
आसपास के सब दुकान वाले उनकी जान पहचान के होंगे और उन्होंने उनकी अगर मदद मांगी तो धुलाई भी हो सकती है हमारी। मेरे ख्याल से तुम सप्लायर को पैसे देने के बहाने यही गोडाउन पे बुला। नहीं नहीं मेहता साहब, यहाँ गोडाउन में नहीं बुला सकता। क्यों? अरे यहाँ लाखों का माल पड़ा है, कहीं गलती से हाथापाई हो गई तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बात तो ठीक है, फिर तो हमें किसी न्यूट्रल जगह पे बुलाना चाहिए। मतलब किसी निरपेक्ष जगह पर। ओ, कहाँ? मुंबई में ही है ना? ठलाल मतलब ऐसी जगह जो ना उनका एरिया हो ना हमारा एरिया हो। ये तो ऐसा बोलो ना भाई, कोई तीसरी जगह निरपक्षी नहीं, वो सब क्या बोल रहे हैं? निरपक्षी नहीं भाई जेठालाल, निरपेक्ष। समझ गया, ना वो सप्लायर की दुकान हाँ। ना हमारा गोडाउन हाँ। कोई तीसरी जगह पे हम लोग मिलते हैं, बराबर? ठीक है। सीट जी, वो नाना नानी पार्क के बगल में जो खाऊ गली है ना, वहाँ पे सोडी भाई और उन सप्लायर्स को बुलाते हैं। एक मिनट, इतनी जल्दबाजी मत करो बागा। जेठा, तुम सप्लायर को बुलाओ खाऊ गली और सोडी को बुलाओ नाना नानी पार्क में। तो मेहता साहब, नाना नानी पार्क में से सोडी वो खाऊ गली में वो सप्लायर को कैसे धमकी दे पाएगा? जेठालाल, सोडी को नाना नानी पार्क से खाऊ गली में धमकाना नहीं है। सोडी धमकाएगा उसे पहले हम उसे समझाएंगे कि उसे उन्हें वहां सिर्फ धमकी देनी है, मारपीट नहीं करनी है, हाथापाई नहीं करनी है, वरना मामला बिगड़ जाएगा और बबीता जी का मोबाइल हाथ से निकल जाएगा। नहीं नहीं, मैं समझ गया, बराबर है। पहले वो नाना नानी पार्क में सोडी को मिलके हम लोग उसको समझाएंगे कि मारा मारे नहीं करनी, खाली धमकी देंगे। उसे समझाएंगे फिर खाऊ गली में जाएंगे। समझ गया, मैं अभी सोडी को फोन लगाता हूँ। जरा फोन लगा सोडी को। जी जी, और स्पीकर पे रखना। जी, ये लीजिए। हाँ बोल बागा। नहीं नहीं छोटी, जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठा भरा, बागा के फोन से क्यों फोन किया? सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊँ छोटी, मेरा किसी से जरा पंगा हो गया है। ओ जेठा भरा, तुसी फिकर ना करो, वो जिन्हें भी तोड़े नाल पंगा लिता है ना, मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। फोन कट हो गया कि उसने काट दिया? काट दिया। तुम्हें कैसे पता कि काट दी? तो कट कर दिया। ओए बंटी, बबलू, बिट्टू, वो मेरे जेठा भाई का मैटर हो गया है। हॉकी वगैरह निकालो। बाजी, आपके भाई का मैटर हुआ क्या है? ओए सुखी, मैटर की हुआ है मेनू पता नहीं, लेकिन जिसने भी जेठा भाई के साथ मैटर किया ना, मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। बाजी तुम्हारा भाई यानी साडा भाई, हम भी साथ चलेंगे। ओ ठीक है यारो, चलो। एक मिनट बाजी, जाना कहाँ है? वो तो जेठा भरा ने मैंने दसिया ही नहीं। हाँ जेठा भरा बोलो। अरे छोटी, पूरी बात तो सुन भाई, पहले फोन क्यों काट दिया? सॉरी जेठा भरा, सॉरी। मैं तो निकलने के लिए तैयार भी हो गया था। कहाँ जाने के लिए? हाँ वही, फोन कट करने के बाद रियलाइज हुआ। जाना किससे? वो जेठा भरा ने तो मुझे बताया नहीं। अरे भाई मैं तुझे बताऊँ, उसके पहले तो तूने फोन काट दिया। हाँ भाई छोटी, पहले बात तो सुन ले पूरी, क्या हुआ है? मेहता साहब, आप भी जेठा भरा के साथ हो? हाँ हम लोग यही खड़े हैं जेठाल के गोडाउन में, एक बार शांति से पूरी बात सुन लो कि क्या हुआ है। ठीक है, दसो जेठा भरा। देख छोटी, क्या हुआ दरअसल, उनकी इतनी जुर्रत कि जबरदस्ती तो हटाते बबीता जी का मोबाइल उठा लिया। ओए उनको मेरे दोस्तों को धमकाने की गलती बहुत भारी पड़ेगी, आज के बाद वो सिर्फ अपने पैरों से मोबाइल उठा पाएंगे। पैरों से? ओ मैं उनको ऐसा धोबी पछाड़ दूंगा कि उनके हाथ काम नहीं करेंगे। फिर तो फोन पैर से ही उठाना पड़ेगा ना। ओ जेठाबरा मैं आ रहा हूँ। फिर काट दिया। मैं तो बोल ही रहा था जेठाला, इसे मत इन्वॉल्व करो भाई। चलो जी चलो। भाजी हम लोग बाइक लेके आ जाते हैं। ठीक रहेगा। हाँ जी। अरे छोटी, तो हर बार पूरी बात सुनने से पहले ही फोन काट क्यों दे रहा है भाई? सॉरी, दसो जी दसो। देख छोटी, हम लोग है ना तुझे सिर्फ धमकाने के लिए बुला रहे, हाथापाई करने नहीं, मारामारी नहीं करनी हमको। हाँ छोटी, क्या है कि वो भी जेठालाल की तरह व्यापारी लोग ही है, सिर्फ धमकाने से ही मोबाइल फोन वापस दे देंगे, मारपीट और हाथापाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ ठीक है जी, तो फिर मैं आ रहा हूँ गोडाउन।
नहीं 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 सॉरी, एक मिनट फोन मत काटना और पूरी बात सुन। गोडाउन में नहीं आना है तुझे, ये गोडाउन के बाजू में एक नाना नानी पार्क है, उधर आना है, ठीक है? उधर हम लोग मिलेंगे और फिर वहां से हम लोग खाओ गली में जाएंगे, क्योंकि सप्लायर लोगों को मैं वहां बुलाने वाला हूँ खाओ गली में। ठीक है ठीक है, तो अभी मैं फोन काटूं? हाँ अभी फोन काट और तुरंत निकल। उसका भी सुना होगा प्राण जाए पर वचन न जाए, इसी स्थिति में फंस गया है जेठालाल। जेठालाल ने वादा कर दिया बबीता जी को कि सूर्यास्त से पहले उनका मोबाइल ले आएगा, लेकिन अब क्या करेगा जेठाल, क्या ये अपना वादा पूरा कर पाएगा, अपने वचन को निभा पाएगा? और ये वचन कहीं टूट गया तो क्या होगा? तो बबीता जी जेठालाल से मुंह फेर लेंगी हमेशा हमेशा के लिए, और गोकुलधाम सोसाइटी बहिष्कार करेगी जेठालाल का, यानी कि स्थिति बड़ी गंभीर। और जेठालाल ने इस स्थिति में मदद मांगी है सोढ़ी की। सोढ़ी तेज तर्रार सोढ़ी, आप जानते हैं गुस्से वाला सोढ़ी, मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन सोढ़ी से मदद लेना मतलब दोधारी तलवार। ये तलवार किसी भी दिशा में चल सकती है अब, लेकिन इस वक्त तो ये तलवार जंग के लिए म्यान से बाहर निकल चुकी है। अब देखना ये है कि सोढ़ी की ये तलवार जेठालाल पे वार करती है, दुश्मनों पे हावी होती है। ये जानने के लिए तो आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जेठालाल अपना वादा निभा पाएगा, अपना वचन पूरा कर पाएगा, और सोढ़ी क्या करेगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.